क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कबाड़े के काम में घुसते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें मार्केट में देखने को मिलती हैं। जैसे हम वायरिंग लेने गए, पता लगा मोटर मिल गई। किसी के यहाँ कबाड़े में कुछ काम लेने गए, पता लगा समरसेबल का मोटर मिल गया, 1 HP का मोटर मिल गया, 10 HP का मोटर मिल गया। अब कंफ्यूजन ये हो गई, यार इसको किस रेट में खरीदे नहीं पता लगता। तो मैं कुछ इसी तरह के टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी, आज हम बात करेंगे कि भाई जो अगर ये पंखा है, जो सीलिंग फैन होता है, ये अगर हमें कबाड़ में मिल रहा है तो हमें इसको कितने रुपए पीस में खरीदना चाहिए, या इसके अंदर जो निकलता है वो कॉपर निकलता है या एल्यूमिनियम निकलता है, या मान लीजिए कोई मोटर हो गई हैवल्स की हो गई, क्रम्पटन हो गई, कोई लोकल मोटर हो गई, तो बहुत सारी इस तरह का मोटर स्क्रैप अगर हो सकता है तो हम इसको परचेज कैसे करें? क्या ये कॉपर की होती है या ये एल्यूमिनियम की होती है? बहुत सारे लोग तो इसी कंफ्यूजन में होते हैं कि भाई ज्यादातर मोटरें, ज्यादातर क्या, कुछ लोगों को तो यही पता है कि भाई मोटर कॉपर की होती है। तो भाई मोटर कॉपर में भी हो सकती है, यही मोटर एल्यूमिनियम में भी हो सकती है। तो मोटरों के अंदर जो वाइंडिंग करी गई है वो वाइंडिंग करने वाले को पता है कि ये कॉपर की है वाइंडिंग करी थी या एल्यूमिनियम की करी थी। अच्छा, अब अगर हमने ये मोटर परचेज कर लिया, उसके बाद हमने मोटर तोड़ी फोड़ी काटी पीटी, तो अंदर से जो कॉपर निकला या अंदर से जो एल्यूमिनियम निकला वो कितना निकला या किस रेट का ये कॉपर होता है, इस कॉपर को बोलते क्या हैं, आज इन्हीं सब टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा। एक नया प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ताकि आपके लिए एक चीज फायदेमंद ये हो जाए, कभी भी मार्केट निकलते हैं और कुछ इस तरीके का आपको आइटम मिल जाता है तो आप उसको परचेज कर सकते हो। मैं जैसे कि एक बात हमेशा से कहता हूं कि हमें काम करना है, कुल मिला के काम करने के बाद हमें 2 पैसे की अर्निंग होनी चाहिए, 2 पैसे हमारी जेब में आने चाहिए, मटेरियल कुछ भी हो। भाई जब हम इस लाइन में घुसे तो हम कबाड़ी बन गए, और कबाड़ी कुछ भी ले सकता है। तो कबाड़ी को हर बात पता होनी चाहिए, हर चीज का पता होना चाहिए, कॉपर है एल्यूमिनियम है ये भी पता होना चाहिए, इस मोटर को किस रेट में खरीदना है, 2 HP है तो कितना कॉपर हुआ, पंखा है तो कितना हो निकला, अगर ये एग्जस्ट फैन है तो इसमें कितना हुआ। बहुत सारी तरह की मोटरें होती हैं, तो एक यही नई सीरीज में शुरू करना चाहता हूं, लेकिन इसमें आप लोगों का पहले मेरे को सहयोग चाहिए। कमेंट करके जो आप सबसे ज्यादा मेरे को लोग कमेंट करेंगे कि भाई इस मोटर का क्या होना चाहिए, मेटल कितना निकल रहा है, कॉपर कितना निकल रहा है, कितने परसेंट ये कॉपर एल्यूमिनियम में ज्यादातर मिलती है, तो जितनी भी ज्यादा कमेंट में जोन सी मोटर के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी मैं उसके ऊपर एक बिल्कुल फुल वीडियो बनाऊंगा, इसके मेटल से लेकर के, इसकी शाफ्ट से लेकर के, इसके कॉपर से लेकर के, इसका कॉपर एल्यूमिनियम किस रेट में जाना है, उसके ऊपर पूरी डिटेल में एक वीडियो मैं आप लोगों को बना के देने वाला हूं। लेकिन अब मुझे कंफर्म कैसे पता लगे मार्केट से कि रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा जो मार्केट में फ्रेश मोटर हो रही है वो आपको कौन सी हो रही है? समरसेबल आपको ज्यादा मिल रहा है या आपको पंखे की ज्यादा मिल रही है, या ये 1 HP 2 HP मोटरें ज्यादा मिल रही हैं, 20 HP ज्यादा मिल रहा है या 0.5 HP का ज्यादा मिलता है? तो ये आप लोगों ने मेरे को बताना है कि रिजवान भाई ये वाली मोटरें मार्केट में हमें ज्यादा अवेलेबल होती है और इसके बारे में आप, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में पक्का आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अगली वीडियो में मैं इस मोटर से रिलेटेड चाहिए। एक बंदे को एक मटेरियल मिलता है तो उसके ऊपर पूरा वीडियो बना नहीं सकता, ज्यादातर 90% लोगों को ये मटेरियल ज्यादा मिलता है तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जिससे कि सबको फायदा हो, है ना। तो मैं वही कोशिश करने की कर रहा हूं कि आप लोग जो मुझे बताएंगे कि भाई सबसे ज्यादा हमें ये वाला मोटर मेरे को मिलता है या इस तरह के आइटम हमें मार्केट में ज्यादा मिलते हैं, तो मैं तसल्ली से उसका वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा इसको बेचना कहां पर है, आप लोगों को बताऊंगा इसके लोहे का भाव क्या होता है, आप लोगों को बताऊंगा इसके कॉपर का भाव क्या होता है और ये कौन सी कैटेगरी में जाता है। क्योंकि ऐसा मत सोच लेना आप लोग कि ये भी एक अलग कैटेगरी बन जाती है, मोटर वाइंडिंग का जो निकलता है इसकी भी एक अलग कैटेगरी होती है, 14 गेज का अलग रेट मिलता है, 36 गेज का अलग रेट मिलता है, 40 गेज का अलग मिलता है, इसमें जो वायरिंग होती है उसके गेज का खेल है सारा। तो पूरा वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट वीक देने वाला हूं, जो मुझे सबसे ज्यादा कमेंट करके बताएंगे कि भाई कौन सी मोटर के ऊपर वीडियो बनाना है, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करें ताकि मैं अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए अगले संडे में मैं आपको वीडियो दे सकूं। तो मिलता हूं अगली वीडियो में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस वीडियो पर, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।